हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मुगल साम्राज्य के रोचक इतिहास के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य की शुरुआत अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी। इस युद्ध में जीत के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन का खात्मा हुआ और मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई थी, जिसके बाद करीब 18वीं शताब्दी देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक भारत में मुगलों ने अपना शासन चलाया था। मुगल साम्राज्य एक काफ़ी कुशल, समृद्ध और संगठित साम्राज्य था। मुगल वंश का शासन भारत के मध्ययुगीन इतिहास के एक युग परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। मुगल कालीन भारत में ही कला शिल्पकला का विकास हुआ। भारत में ज़्यादातर खूबसूरत एवं ऐतिहासिक इमारतें मुगल काल के समय में ही बनाई गई थीं। इन इमारतों में सांची के स्तूप, आगरा में स्थित दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, अजंता एलोरा की गुफाएँ, उड़ीसा की प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो के मंदिर, तंजौर की अद्भुत मूर्तिकला, शेरशाह सूरी का ग्रैंड ट्रंक रोड, बीजापुर का गोल गुंबद आदि शामिल हैं। तो आइए जानते हैं मुगल वंश के इतिहास के बारे में। पहले हम संक्षेप में जान लेते हैं, फिर विस्तार से जानेंगे। इस साम्राज्य का पूरा नाम था मुगल वंश और इसका शासनकाल था 1526 से 1857 तक। मुगल राजवंश का सत्ता का केंद्र था दिल्ली, औरंगाबाद और आगरा, और इसके प्रमुख शासक थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और शासनकाल से कला से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियां हैं ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, बीबी का मकबरा, लाहौर का मस्जिद, मोती मस्जिद, तख्ते ताउस इत्यादि इस शासन की प्रमुख उपलब्धियां हैं। और इसके प्रथम शासक थे बाबर और अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। मुगल साम्राज्य का कुल शासनकाल था लगभग 331 साल। अब हम मुगल वंश के शासकों की सूची जान लेते हैं। इस सूची में सबसे पहले नाम आता है बाबर का, जो कि 30 अप्रैल 1526 से लेकर 26 दिसंबर 1530 तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं 26 दिसंबर 1530 से लेकर 17 मई 1540 तक शासन देखता है। उसके बाद उसका बेटा अकबर 27 जनवरी 1556 से लेकर 27 अक्टूबर 1605 तक शासन देखता है। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर 27 अक्टूबर 1605 से लेकर 8 नवंबर 1627 तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। उसके बाद शाहजहां जो कि 8 नवंबर 1627 से लेकर 31 जुलाई 1658 तक दिल्ली की सत्ता संभालता है। और उसके बाद उसका बेटा औरंगजेब जो कि 31 जुलाई 1658 से लेकर 3 मार्च 1707 तक शासन देखता है। उसके बाद बहादुर शाह जो कि 19 जून 1707 से लेकर 27 फरवरी 1712 तक सत्ता पर काबिज होता है। उसके बाद उसका बेटा जहांदार शाह जो कि 27 फरवरी 1712 से लेकर 11 फरवरी 1713 तक राजगद्दी संभालता है। उसके बाद उसका बेटा फर्रुख सियार जो कि 11 जनवरी 1713 से लेकर 28 फरवरी 1719 तक दिल्ली की सत्ता संभालता है। उसके बाद मोहम्मद शाह 27 सितंबर 1719 से लेकर 26 अप्रैल 1748 तक सत्ता पर काबिज होता है। उसके बाद अहमद शाह बहादुर जो कि 26 अप्रैल 1748 से लेकर 2 जून 1754 तक दिल्ली की सत्ता संभालता है। उसके बाद आलमगीर द्वितीय जो कि 2 जून 1754 से लेकर 29 नवंबर 1759 तक शासनकाल संभालता है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय जो कि 24 दिसंबर 1760 से लेकर 19 नवंबर 1806 तक दिल्ली की बागडोर संभालता है। उसके बाद अकबर शाह द्वितीय जो कि 17 नवंबर 1806 से लेकर 28 दिसंबर 1837 तक
दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। उसके बाद अंतिम मुगल साम्राज्य सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 28 सितंबर 1837 से लेकर 14 सितंबर 1857 तक दिल्ली की सत्ता संभालते हैं। अब हम मुगल वंश के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को मुगल वंश के प्रमुख शासकों और उनके कार्यकाल के बारे में संक्षिप्त में जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ, और इनके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में विस्तार से सभी शासकों के बारे में अलग अलग वीडियोस लेकर आऊँगा। तो पहले हम जान लेते हैं मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में, जिनका कि शासनकाल था 30 अप्रैल 1526 से लेकर 26 दिसंबर 1530 तक। भारत में साल 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। बाबर के बारे में हम एक नज़र जान लेते हैं। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को अंदिजान उज्बेकिस्तान में, और इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा फरगना राज्य की, जो कि फरगना राज्य के शासक थे, और इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खातून। और बाबर की पत्नियां थीं आयशा सुल्ताना बेगम, जैनब सुल्तान बेगम, मौसमा सुल्तान बेगम, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार आगा बेगम, मुबारका यूसुफ़ज़ई, सहिला सुल्तान बेगम, हज्जा गुलनार अगाचा, नजगुल अगाचा, बेगा बेगम इत्यादि इनकी पत्नियां थीं। और इनके पुत्र और पुत्रियां थे हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, गुलबदन बेगम इत्यादि इनके पुत्र और पुत्रियां थीं। और बाबर का शासनकाल हुआ था सन 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। और बाबर के शासनकाल के दौरान कुछ प्रमुख निर्माण कार्य किए गए थे, जैसे कि काबुली बाग का मस्जिद, आगरा की मस्जिद, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद, नूर अफगान इत्यादि। और बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक और पहला मुगल सम्राट था। बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया था। उसने 1519 ईस्वी में यूसुफ़ज़ई जाति के खिलाफ भारत में अपना पहला संघर्ष छेड़ा था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने कब्जे में कर लिया था। मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली और आगरा में अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई। 17 मार्च 1527 में मुगल सम्राट बाबर ने खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। 1659 ईस्वी में बाबर ने घाघरा की लड़ाई में अफगानी सेना को फिर से धूल चटाई। मुगल शासक एक शक्तिशाली शासक होने के साथ ही बेहद दयालु था, जिसे उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। आपको बता दें कि बाबर को मुबैया नामक पद्य शैली का पितामह भी माना जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का शासन संभाला। अब हम मुगल सम्राट हुमायूं के बारे में जान लेते हैं। हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और इसका जन्म हुआ था 6 मार्च सन 1508 ईस्वी में काबुल में। और हुमायूं के पिता का नाम था बाबर, और इनकी माता का नाम था महम बेगम। और हुमायूं का पहला शासनकाल था 26 दिसंबर 1530 से 27 मई 1540 तक, और दूसरा शासनकाल था 22 फरवरी 1555 से लेकर 27 फरवरी 1556 तक। और हुमायूं का उत्तराधिकारी था अकबर, और हुमायूं की मृत्यु हुई थी 27 जनवरी सन 1555 ईस्वी में दिल्ली में। मुगल सम्राट हुमायूं दूसरा मुगल शासक था जो कि 23 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था। करीब 15 साल के निर्वासित जीवन व्यतीत करने के बाद हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सिकंदर लोदी को पराजित कर दिल्ली का राजसिंहासन संभाला था।
मुगल सम्राट हुमायूं ने ही हफ्ते में 7 दिनों में 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। अब हम मुगल सम्राट महान अकबर के बारे में जान लेते हैं। अकबर का पूरा नाम था अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में। अकबर के पिता का नाम था हुमायूं, और अकबर की माता का नाम था नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा। और अकबर का शासनकाल था 11 फरवरी 1556 से लेकर 27 अक्टूबर 1605 तक। और अकबर का उत्तराधिकारी था जहांगीर, और अकबर की मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में, आगरा में। मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठे थे। 14 साल की छोटी सी उम्र में ही अकबर को मुगल साम्राज्य का शासक बनाया गया था, इसीलिए कुछ समय तक उनके पिता के मंत्री बैरम खान उनके संरक्षक रहे। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई थी। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के ज़्यादातर हिस्से पर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया गया था। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, कंधार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अकबर के शासनकाल के दौरान आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी, हुमायूं का मकबरा, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला और सिकंदरा में अकबर का खुद का मकबरा समेत कई वास्तुशिल्प कृतियों का निर्माण भी किया गया। अकबर दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था। अब हम अकबर के दरबार के नवरत्नों के बारे में जान लेते हैं। तो ये नवरत्न थे बीरबल, अबुल फजल, मानसिंह, भगवान दास, तानसेन, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल। तो ये 9 नवरत्न थे। अब हम मुगल शासक जहांगीर के बारे में जान लेते हैं, जिसका कि शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 तक। जहांगीर का पूरा नाम था मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर, और इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त सन 1569 को फतेहपुर सिकरी में। और जहांगीर के पिता का नाम था अकबर, और जहांगीर के माता का नाम था मरियम उज्जमानी। जहांगीर का विवाह हुआ था नूरजहां से, और इनकी अन्य पत्नियां थीं मानभवती, मानमती इत्यादि। और जहांगीर का शासनकाल था 15 अक्टूबर 1605 से लेकर 8 नवंबर 1627 तक। मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य के शासक बने। वह अपनी शान शौकत के लिए काफ़ी मशहूर थे। जहांगीर के राज में मुगल साम्राज्य का किश्वर और कांगड़ा के अलावा बंगाल तक विस्तार तो किया गया, लेकिन उनके शासनकाल में कोई बड़ी लड़ाई और उपलब्धि शामिल नहीं है। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही उनके पुत्र खुसरो ने सत्ता पाने की चाहत में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद जहांगीर और उसके पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। वहीं इस युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा खुसरो की मदद करने पर जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी थी। जहांगीर चित्रकला का गूढ़ प्रेमी था, जिसने अपने महल में कई अलग अलग तरह के चित्र इकट्ठे किए थे। उनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जहांगीर को आगरा में बनी न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। जहांगीर के रिश्ते उनके बेटे शाहजहां से भी अच्छे नहीं थे। हालांकि उनकी मौत के बाद शाहजहां को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल के बाद के अन्य शासकों के बारे में, जैसे कि शाहजहां, औरंगजेब इत्यादि अन्य शासकों के बारे में हम जानेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।